नमस्कार, सबकी खबर एक नजर में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज की ताजा खबर। लिफ्ट लेकर लूटपाट करने के 3 आरोपी गिरफ्तार, तीनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भेजा। झज्जर पुलिस की एक टीम द्वारा हथियार के बल पर मारपीट करके लूटपाट व छीना छपटी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से लिफ्ट लेकर गाड़ी चालक से हथियार दिखाकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की जानकारी देते हुए ASI मुकेश कुमार ने बताया कि विकास कुमार निवासी जोजू खुर्द गुड़गांव में एक निजी कंपनी में काम करता है। 3 जनवरी 2018 को वह अपनी गाड़ी को लेकर शाम को गुरुग्राम से चला था। रास्ते में जब वह गाँव चंदू के पास पहुँचा तो 3 युवकों ने उसे लिफ्ट ली। जब वह गाड़ी को लेकर झज्जर के पास पहुंचने वाला था तो 3 युवकों ने हथियार के बल पर मारपीट करते हुए उससे 2 मोबाइल फ़ोन, एक पर्स जिसमें करीब 4500 रुपये थे, उसकी सोने की अंगूठी व चैन छीन ली और मौके से भाग गए। ASI मुकेश कुमार ने बताया कि लूटपाट के उपरोक्त मामले पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ में पहचान संदीप उर्फ मकोडू पुत्र सूरत सिंह व जयभगवान उर्फ पटेल पुत्र जगबीर सिंह, दोनों निवासी गांव पुठी सामान जिला हिसार, तथा धर्मेंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी शहजादपुर जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के तौर पर की गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए उपरोक्त 3 आरोपियों ने प्राथमिक पूछताछ में लिफ्ट लेकर लूटपाट करने के उपरोक्त मामले का खुलासा किया। पकड़े गए 3 आरोपियों को अदालत झज्जर में पेश किया गया, जहां से 3 को पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ये गुड़गांव रोड बाईपास से गिरफ्तार किया है। इनको मुख्य प्रकाशना में सूचना दी थी ऐसे लूट की वारदात करने वाले हैं और इनको हमने गाड़ी रुकवा के चेक किया, इनसे पूछताछ की, उसमें इन्होंने कबूल किया। तो पूछताछ में और भी खुलासा हुआ है? नहीं, और कोई खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, गहन पूछताछ जारी अभी। पीड़ित विकास ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपने काम से वापस आ रहा था तो एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी। गाड़ी रोकते ही उसके 2 साथी भी बैठ गए और झज्जर पहुंचने से पहले मेरे से हथियार दिखाकर सब कुछ छीनकर भाग गए थे। के साथ क्या कुछ हुआ? एक्चुअली मैं गुड़गांव से अपने घर आ रहा था तो इन्होंने, एक बंदे ने मेरे से लिफ्ट मांगी तो मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो 2 बंदे और आके बैठ गए। तो थोड़ी दूर चलते ही साथ इन्होंने झज्जर जाने के लिए बोला, थोड़ी दूर चलते ही साथ इन्होंने क्या साइड गाड़ी साइड में रोकने के लिए बोला और कनपट्टी पे बंदूक लगा ली। तो उसके बाद थोड़ी देर हाथापाई हुई तो गाड़ी की चाबी टूट गई, इसलिए गाड़ी तो वो नहीं ले जा पाए, बट मेरे मोबाइल पर्स और कुछ अंगूठी चैन ले गए। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।